नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी रोशन। हमारा नया सेंटर भिखना पहाड़ी सैदपुर मोड़ पर खुल चुका है और जो भी बच्चे पटना में रहते हैं वो इस जगह से ज़रूर वाकिफ होंगे। आज आप लोग के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। 21 मार्च से मैं मैथ्स स्पेशल कंप्लीट फाउंडेशन बैच ऑफलाइन लाने जा रहा हूं, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका होगा 6 से 7:30 PM, यानी 1.5 घंटे का ये आपका क्लास रहेगा। क्योंकि ये हमारा सेंटर नया है, हमने नया नया अभी ओपन किया है, तो मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट फीस था ऑफलाइन 5100, उसे हमने ऑफर के तहत 50% डिस्काउंट देने का फैसला किया है, जो लागू रहेगा आपका 21 तारीख तक। जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे वो 21 तारीख तक आप मात्र 2550 रुपया में अपना एडमिशन करा सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आइए PPT के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह से मैं आपको क्लास में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस पे। मैथमेटिक्स को मैं टोटल 6 पार्ट में पढ़ाता हूँ, जिसमें से कंप्लीट ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन, साथ साथ नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडाइसेस एंड LCM SCM। उसके बाद अगला जो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट होता है, ये हमारा कंप्लीट एरिथमेटिक का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम एंड रेस को हम लोग। पाँचवा जो हमारा पार्ट होता है, उस पार्ट में हम लोग कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि SSC में प्रोबेबिलिटी और स्टेटिक्स दोनों को ही शामिल कर दिया गया, जैसा कि रेलवे में पहले से ही शामिल किया जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी स्टेटिक्स के साथ साथ परमिटेशन एंड कम्बिनेशन को भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमिटेशन एंड कम्बिनेशन को बिना पढ़े हुए प्रोबेबिलिटी आपसे संभव नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पाँचवा पार्ट होगा। छठा पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, दिखने में तो ये एक पार्ट के तरह लग रहा है, बट आप ऐसा बोल सकते हो SSC का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, CO का एग्ज़ाम हो, CHSL का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप देखोगे कि 50% लगभग में एडवांस मैथ का आजकल वेटेज है, तो उसी हिसाब से एडवांस मैथ को भी पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें 250-300 आपको देखने को नहीं मिलता। जैसा हम लोग अगर नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम में मैं क्लास में 800 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा, 800 प्लस क्वेश्चन क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा मैं क्लास में खुद प्रैक्टिस करवा दूंगा, बार बार मैं इतना ज़्यादा रिपीट करता हूँ, मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि क्लास में ही आपको 100% याद हो जाए, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ हमारे क्लास में बैठे हैं तो। एडवांस मैथ की मैं बात करूँ, तो एडवांस मैथ चूँकि 50% वेटेज है, तो एडवांस मैथ में मैं अच्छा खासा टाइम भी देता हूँ और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पेपर से बाहर नहीं आएगा। ज्योमेट्री की मैं बात करूँ, मेंसुरेशन की मैं बात करूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडवांस मैथ में टोटल हम लोग 5 पार्ट पढ़ेंगे, 5 टॉपिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस दोनों की मैं बात करूँ तो मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं, और एक बार जब थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि इसका थ्योरम बहुत ज़्यादा है, तो एक बार कम से कम थ्योरी कंप्लीट जब पढ़ लेते हैं और उस बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। थ्योरी को मैं क्लास में बार बार रिपीट करता हूँ, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, और इतना ज़्यादा बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप सही ढंग से सुन रहे हैं तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। उस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा दूसरा पार्ट आता है, क्वेश्चंस वाला पार्ट, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और प्रत्येक चैप्टर में, जैसे ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में मैं 500 प्लस क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन। मेंसुरेशन में मैं 400 प्लस क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ, और इतना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक वगैरह लेने का जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की जरूरत है। उस सारे क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस अगर कर ले, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम के पेपर से बाहर नहीं आए। एलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने का मेरा दूसरा तरीका है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी देता हूँ, फार्मूला भी देता हूँ, और फार्मूला बेस्ड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करते चलते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक ही फार्मूला है, इतने तरीके से पूछा जाता है, उन सारे चीज़ों पे कमांड हम लोग करवाते हैं क्लास में ही, और एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के पेपर से बाहर इससे नहीं आएगा, क्योंकि हम इस लेवल के क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन आपको करवा देते हैं क्लास में ही, जिस लेवल से कम ही लेवल का आपको एग्ज़ाम में पूछा।
है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे, चाहे किसी भी वनडे अगर दे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाता हूँ आपको मेरा कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, इस चीज़ को आप देखिए। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बताता हूँ, इस क्लास में मैं बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक का क्लास करवाता हूँ, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन पर डिस्कस, और उस लेवल तक आपको लेकर के जाते हैं जिस लेवल से नीचे एसएससी, जिस लेवल से नीचे ही एग्जाम में रहता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बुकलेट के माध्यम से, कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न का हो, कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न का, और मैं इस चीज़ का बड़ा आदी हूँ लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, ईजी से लेकर के टफ क्वेश्चन रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं समझाऊंगा, बेसिक क्लियरिटी तो मैं समझाऊंगा जिस तरह से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी रहेगा, कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट आपका हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, तो फिर मैं आपको यहाँ पर ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा कि ट्रिक से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो टाइप वाइज रहेगा, क्लास वर्क भी आपको मिलेगा, साथ साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा, एक तो टाइप वाइज क्लास वर्क रहेगा, साथ साथ होमवर्क रहेगा, जो भी टॉपिक आपको मिलने वाला है कंप्लीट बाइलिंगुअल रहेगा, और एक बुकलेट के माध्यम से आपको मिलेगा, एक चैप्टर आया उसका एक बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं कि बुक बना लिए और बुक बना के डायरेक्ट कर लिए और तीन चार साल चल रहा है, नहीं, वो चूंकि हम लोग साल साल में प्रत्येक साल में उसको अपडेट करते रहते हैं, तो वो बुकलेट के माध्यम से, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक में 250 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म, ओके। प्रीवियस ईयर का कंप्लीट बुकलेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे ही आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म करते हैं, जैसे ही कोई चैप्टर आप खत्म करते हैं, परसेंटेज का कोई चैप्टर खत्म करते हैं, तो 2017 से लेकर के 2023 तक जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है अभी तक, उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक से, उस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस को मैं बुकलेट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, और उस बुकलेट से आप उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, यानी आपको एक भी सिंगल भी बुक खरीदने का बाहर से ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा कर लिए, अब एक एक टॉपिक पे 400-500 क्वेश्चन आपको बुकलेट के माध्यम से मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, आप क्लास में भी 300-400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, साथ साथ बुकलेट का को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका तैयारी कंप्लीट पूरा हो जाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बुकलेट तो मैं आपको दूंगा ही, जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। टेक्निक जो होगा वो एक अल्ट्रा टेक्निक होगा और स्मार्ट अप्रोच होगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ, ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कंप्लीट समझ में आ जाता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊँ, मैं जिसे समझाने का कोशिश वो आपको समझ में ना, ठीक है। एक स्मार्ट अप्रोच रहेगा क्वेश्चन को डील करने का, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करने का, वो एक अल्ट्रा टेक्निक से हम लोग वहाँ पर डील करवाते हैं क्लास में, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसको समझिए, स्मार्ट बोर्ड क्लास रहेगा आपका, क्लास में आपको स्मार्ट बोर्ड देखने को मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा, जैसे ही एक से दो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो फिर चैप्टर वाइज आपका वीकली टेस्ट भी होना, ठीक है। उसके बाद डॉट क्लियरिंग सेशन हम लोग रखते हैं, चैप्टर खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट सैटरडे आता है उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन में डाउट है, तो 2-3 घंटे का हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। ये कब होता है, ये स्पेशल सिर्फ सैटरडे में हो, यानी जो आपका क्लास चल रहा है उस क्लास के अलावा, ये आपका सैटरडे को होगा 2-3 घंटा, जिसमें कि कंप्लीट जो भी आपने चैप्टर पढ़ा और किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट रह गया, मेरी पूरा कोशिश रहता है कि आपको एक भी डॉट नहीं रहे क्लास में, लेकिन उसके बावजूद कोई भी डॉट अगर आपका रह जाता है, ये 2-3 घंटा हम लोग प्रत्येक सैटरडे को देते हैं डॉट क्लियरिंग सेशन चैप्टर खत्म करने के बाद, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच रहेगा ही रहेगा, इंटरेक्शन विथ एवरी स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ है उसमें से जो बैक बेंचर्स बैठे हुए हैं, जो सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे हम लोग जा कर के बात करते हैं, सभी स्टूडेंट को खुल के मौका देते हैं, आप अपने बात को हमारे पास रख सकते हैं, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर DPP का भी हम लोग यहाँ पर व्यवस्था रखते हैं, कहने का मतलब है जैसे ही आपका एक से दो चैप्टर खत्म होना शुरू हो, 5 क्वेश्चन पर डे आपको मिले क्लास शुरू होने से पहले,
टीपीपी के माध्यम से, और उस पांच क्वेश्चन क्लास में आप जैसे इन करते हैं वो पांच क्वेश्चन मिलेगा, 5 से 10 मिनट का आपको टाइम रहेगा और वो क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना, ठीक है। इस चीज़ का भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को समझ पा रहे होंगे, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस ऑफ़र का लाभ भी उठाएं, और कंप्लीट आप हम पे विश्वास कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं। और ये हमारा ऑफ़र फीस है मात्र 2550 अभी फ़िलहाल, और ये जो ऑफ़र फीस है मात्र ये 21 तारीख तक चलेगा, कितने तारीख तक, 21 मार्च तक। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आइए, और हमारे इस ऑफलाइन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है ये बैच, ये ऑफलाइन बैच है। और ये जो सेंटर है वो हमारा नया सेंटर है भिकना पहाड़ी सैदपुर, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।